सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। एलिमेंट वेलनेस मैन शक्ति मैन, आज हमारे पास ये गोली है, कैप्सूल रहता है जो कि एलिमेंटल है, जो कि यूज होता है आदमी के लिए और स्टिमुलेट करता है माइक्रो सर्कुलेशन एंड परफॉर्मेंस अच्छा देता है। पूरे बॉक्स के अंदर 60 गोली रहती है, जिसका MRP की बात करें तो 150 रुपीज़ के करीब इसका MRP रहता है। इसको बनाया गया है लाइफ स्टाइल मार्केटेड के द्वारा, इसको बनाया गया है और ये बहुत ही अच्छा रहता है। लाइफ स्टाइल मार्केटेड एक इसको मार्केटिंग करती है और मुताली फार्मास्यूटिका के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो बहुत सारे कंटेंट डाले गए जो कि हर्बल है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देता। तो ये मैन की शक्ति को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, विगोर को बढ़ाने के लिए और बैड परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, डोसेस और कैसे लेने का और कब तक लिया जाता है वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा, ताकि आपको संपूर्ण बातें समझ में आए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। एलिमेंटल वेलनेस मैन शक्ति मैन टैबलेट जो कि कैप्सूल फॉर्म में रहती है, 60 गोली का पूरा कैप्सूल का डिब्बा है, जिसका MRP 1250 रुपीज रहता है। इसके अंदर दवाई की बात करें तो अश्वगंधा, मुरली, सफेद अर्जुना, जावित्री, जायफल, केसर, सफेद तेल, ये सब कंटेंट डाले गए जो कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में डाले गए, जो कि आपकी स्टेमिना को बढ़ाती है, आपके विगोर को बढ़ाती है, आपके बेड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है और इरेक्टल डिसफंक्शन का ये ट्रीटमेंट करती है। तो ये यूज होती है केवल मैन के लिए, जब मैन अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देता तो उसमें यूज किया जाता है। तो इस कैप्सूल्स के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।